नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको चित्रचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्रचोर, चित्रचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता ताराचंद बड़जात्य हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्रचोर पर आधारित है। KJ येसुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कू कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सीडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी हूँ के लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चित्रचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बड़जात्य, अभिनीत अमोल पालेकर, जरीना बहाव, छायांकन KK महाजन। द्वारा संपादन मुख्तार अहमद, संगीत दिया है रविंद्र जैन, उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिलीज की तारीख 1976, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली, बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा, जो मुंबई में रहती है, पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है जो गीता के लिए संभावित जीवनसाथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीताम्बर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं, नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है, यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी, वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोगवश जल्दी आ गया, क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है। वे गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है, जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गांव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं, निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता, पी चौधरी के रूप में जरीना बाप, सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे, गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में AK हंगल, गीता की माँ श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक, गीता की बहन मीरा के रूप में ऋतु कमल, मास्टर राजू, दीपक कुमार, अग्निहोत्री, दीपू, शैल चतुर्वेदी, चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में CS दुबे, गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर। संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव, राग धानी, कर्नाटक संगीत में शुद्ध संन्या धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है, जिसने KJ येसुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का
पुरस्कार दिलाया है। इस साउंडट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं, सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले, आज से ज़्यादा, इस गाने को केजे यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, इस गाने के गायकार केजे यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, इस गाने के गायकार केजे यशुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर मिला ले, इस गाने के गायकार केजे यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चित्तचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्तचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता ताराचंद बड़जात्य हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्तचोर पर आधारित है। के जे यशुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कू कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सीडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी उनके लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चित्तचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बड़जात्य, अभिनीत अमोल पालेकर, जरीना बहाव, छायांकन के महाजन। द्वारा संपादन मुख्तार अहमद, संगीत दिया है रविंद्र जैन, उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिलीज की तारीख 1976, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा जो मुंबई में रहती है, पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है जो गीता के लिए संभावित जीवनसाथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीताम्बर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं, नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है, यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग व जल्दी आ गया क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है, वे गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गाँव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी।
वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं। निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता पी चौधरी के रूप में जरीना बाप सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में एके हंगल गीता की माँ श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक गीता की बहन मीरा के रूप में ऋतु कमल मास्टर राजू दीपक कुमार अग्निहोत्री दीपू शैल चतुर्वेदी चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में सी एस दुबे गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव राग धानी कर्नाटक संगीत में शुद्ध संज्ञा धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है, जिसने के जे यशुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिलाया है। इस साउंडट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं, सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले आज से ज़्यादा, इस गाने को के जे यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना जब शाम ढले आना, इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, इस गाने के गायकार के जे यशुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर मिला ले, इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चित्तचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्तचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता ताराचंद बड़जात्य हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्तचोर पर आधारित है। के जे यशुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कू कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सीडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी उनके लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चित्तचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बड़जात्य अभिनीत अमोल पालेकर जरीना बहाव छायांकन के महाजन। द्वारा संपादन मुख्तार अहमद संगीत दिया है रविंद्र जैन। उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिलीज की तारीख 1976। देश भारत। भाषा हिंदी। कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा जो मुंबई में रहती है पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है, जो गीता के लिए
संभावित जीवन साथी हो सकता है। पिता अंबर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पिता अंबर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं, नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग बस जल्दी आ गया क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है। वे गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है, जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गाँव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता पी चौधरी के रूप में जरीना बाप सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में एके हंगल गीता की मां श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक गीता की बहन मीरा के रूप में रितु कमल मास्टर राजू दीपक कुमार अग्निहोत्री दीपू शैल चतुर्वेदी चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में सीएस दुबे गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव राग धानी कर्नाटक संगीत में शुद्ध संन्या धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है, जिसने के जे यशुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिलाया है। इस साउंडट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं, सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले आज से ज़्यादा इस गाने को के जे यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना जब शाम ढले आना इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा इस गाने के गायकार के जे यशुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर मिला ले इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चित्तचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्तचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता ताराचंद बढ़ जाते हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्तचोर पर आधारित है। के जे यशुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कू कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा
कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सीडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी हूँ के लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चितचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बड़जात्या। अभिनीत अमोल पालेकर, जरीना बहाब। छायांकन के महाजन। द्वारा संपादित मुख्तार अहमद। संगीत दिया है रविंद्र जैन। उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिलीज की तारीख 1976। देश भारत। भाषा हिंदी। कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली, बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा जो मुंबई में रहती है पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है जो गीता के लिए संभावित जीवनसाथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीताम्बर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग वह जल्दी आ गया क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है। भी गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गांव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है। सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर। गीता पी चौधरी के रूप में जरीना बाप। सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे। गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में ए के हंगल। गीता की माँ श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक। गीता की बहन मीरा के रूप में रितु कमल। मास्टर राजू। दीपक कुमार अग्निहोत्री। दीपू शैल चतुर्वेदी चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में सीएस दुबे। गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर। संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव राग धानी। कर्नाटक संगीत में शुद्ध संन्या धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है जिसने के जे येसुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिलाया है। इस साउंड ट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले आज से ज़्यादा। इस गाने को के जे येसुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना जब शाम ढले आना। इस गाने के गायकार के जे येसुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। इस गाने के गायकार के जे येसुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर में ला ले। इस गाने के गायकार के जे येसुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको चितचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चितचोर, चितचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता ताराचंद बढ़ जाते हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चितचोर पर आधारित है। KJ येसुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कू कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सीडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी हूँ के लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चितचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बढ़ जाते हैं, अभिनीत अमोल पालेकर, जरीना बहाव, छायांकन के महाजन। द्वारा संपादन मुख्तार अहमद, संगीत दिया है रविंद्र जैन, उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिलीज की तारीख 1976, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली, बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा, जो मुंबई में रहती है, पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है जो गीता के लिए संभावित जीवनसाथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीताम्बर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं, नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है, यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी, वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग बस जल्दी आ गया, क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है, वे गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है, जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गांव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता, पी चौधरी के रूप में जरीना बाप, सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे। गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में ए के हंगल, गीता की माँ श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक, गीता की बहन मीरा के रूप में रितु कमल, मास्टर राजू, दीपक कुमार, अग्निहोत्री, दीपू, शैल चतुर्वेदी, चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में CS दुबे, गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर। संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव, राग धानी, कर्नाटक संगीत में शुद्ध संन्या धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है, जिसने KJ येसुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का
पुरस्कार दिलाया। इस साउंडट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं, सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले आज से ज़्यादा, इस गाने को केजे यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, इस गाने के गायकार केजे यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, इस गाने के गायकार केजे यशुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर में ला ले, इस गाने के गायकार केजे यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चितचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चितचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता तारा चंद बढ़ जाते हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चितचोर पर आधारित है। के जे येसुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कू कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सीडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी हूँ के लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चितचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बढ़ जाते हैं, अभिनीत अमोल पालेकर, जरीना बहाव, छायांकन के महाजन। द्वारा संपादन मुख्तार अहमद, संगीत दिया है रविंद्र जैन, उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिलीज की तारीख 1976, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली, बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा, जो मुंबई में रहती है, पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है जो गीता के लिए संभावित जीवनसाथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीताम्बर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं, नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है, यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग वह जल्दी आ गया क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है, वे गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है, जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गांव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी।
वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं। निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता पी चौधरी के रूप में जरीना बाप सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में ए के हंगल गीता की माँ श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक गीता की बहन मीरा के रूप में ऋतु कमल मास्टर राजू दीपक कुमार अग्निहोत्री दीपू शैल चतुर्वेदी चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में सी एस दुबे गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव राग धानी कर्नाटक संगीत में शुद्ध संज्ञा धन धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है, जिसने के जे यशुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिलाया है। इस साउंड ट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं, सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले आज से ज़्यादा, इस गाने को के जे यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना जब शाम ढले आना, इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, इस गाने के गायकार के जे यशुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर में ला ले, इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चित्तचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्तचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता ताराचंद बड़जात्य हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्तचोर पर आधारित है। के जे यशुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कू कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सेडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी उनके लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चित्तचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बड़जात्य अभिनीत अमोल पालेकर जरीना बहाव छायांकन के महाजन। द्वारा संपादित मुख्तार अहमद संगीत दिया है रविंद्र जैन। उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिलीज की तारीख 1976। देश भारत। भाषा हिंदी। कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा जो मुंबई में रहती है पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है।
जो गीता के लिए संभावित जीवन साथी हो सकता है। पिता अंबर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पिता अंबर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं, नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग वह जल्दी आ गया क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है। वे गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है, जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गाँव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है। सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता पी चौधरी के रूप में जरीना बाप सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाट के गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में एके हंगल गीता की माँ श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक गीता की बहन मीरा के रूप में ऋतु कमल मास्टर राजू दीपक कुमार अग्निहोत्री दीपू शैल चतुर्वेदी चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में सी एस दुबे गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव राग धानी कर्नाटक संगीत में शुद्ध संन्या धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है, जिसने के जे यशुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिला है। इस साउंड ट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले आज से ज़्यादा इस गाने को के जे यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना जब शाम ढले आना इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा इस गाने के गायकार के जे यशुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर में ला ले इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चित्तचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्तचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता ताराचंद बढ़ जाते हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्तचोर पर आधारित है। के जे यशुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कू कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम
करुण था कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सेडियन चैत्र मास 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी हूँ के लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चितचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बड़जात्या। अभिनीत अमोल पालेकर, जरीना बहाव। छायांकन के महाजन। द्वारा संपादित मुख्तार अहमद। संगीत दिया है रविंद्र जैन। उत्पादन कंपनी राश्री प्रोडक्शन। द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिलीज की तारीख 1976। देश भारत। भाषा हिंदी। कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली, बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा जो मुंबई में रहती है पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है जो गीता के लिए संभावित जीवनसाथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीताम्बर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग वह जल्दी आ गया क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है। वे गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गांव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं। निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है। सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर। गीता पी चौधरी के रूप में जरीना बाप। सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे। गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में एके हंगल। गीता की माँ श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक। गीता की बहन मीरा के रूप में ऋतु कमल। मास्टर राजू। दीपक कुमार अग्निहोत्री। दीपू। शैल चतुर्वेदी चौबे के रूप में। पोस्टमैन के रूप में सीएस दुबे। गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर। संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव राग धानी। कर्नाटक संगीत में शुद्ध सन्या धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है जिसने केजे यशुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिलाया। इस साउंड ट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले आज से ज़्यादा। इस गाने को केजे यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना जब शाम ढले आना। इस गाने के गायकार केजे यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। इस गाने के गायकार केजे यशुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर में ला ले। इस गाने के गायकार केजे यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको चित्तचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्तचोर, चित्तचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता ताराचंद बड़जात्य हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्तचोर पर आधारित है। KJ येसुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसु के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कु कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सीडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी हूँ के लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चित्तचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बड़जात्य, अभिनीत अमोल पालेकर, जरीना बहाव, छायांकन KK महाजन। द्वारा संपादन मुख्तार अहमद, संगीत दिया है रविंद्र जैन, उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिलीज की तारीख 1976, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली, बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा, जो मुंबई में रहती है, पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है जो गीता के लिए संभावित जीवनसाथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीताम्बर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं, नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है, यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी, वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग बस जल्दी आ गया, क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है। वे गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है, जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गांव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं, निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता, पी चौधरी के रूप में जरीना बाप, सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे, गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में AK हंगल, गीता की माँ श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक, गीता की बहन मीरा के रूप में रितु कमल, मास्टर राजू, दीपक कुमार, अग्निहोत्री, दीपू, शैल चतुर्वेदी, चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में CS दुबे, गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर। संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव, राग धानी, कर्नाटक संगीत में शुद्ध सन्या धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है, जिसने KJ येसुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का
पुरस्कार दिलाया है। इस साउंडट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं, सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले, आज से ज़्यादा, इस गाने को केजे यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, इस गाने के गायकार केजे यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, इस गाने के गायकार केजे यशुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, इस गाने के गायकार केजे यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चित्तचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्तचोर, चित्तचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता ताराचंद बढ़ जाते हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्तचोर पर आधारित है। के जे येसुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसु के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कु कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सीडियन चैत्रमास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी के लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चित्तचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बढ़ जाते हैं, अभिनीत अमोल पालेकर, जरीना बहाव, छायांकन के महाजन। द्वारा संपादन मुख्तार अहमद, संगीत दिया है रविंद्र जैन, उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिलीज की तारीख 1976, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधाना अध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली, बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा, जो मुंबई में रहती है, पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है जो गीता के लिए संभावित जीवनसाथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीताम्बर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं, नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है, यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग बस जल्दी आ गया क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है, वे गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है, जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गांव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी।
वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं। निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता पी चौधरी के रूप में जरीना बाप सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में एके हंगल गीता की मां श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक गीता की बहन मीरा के रूप में रितु कमल मास्टर राजू दीपक कुमार अग्निहोत्री दीपू शैल चतुर्वेदी चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में सीएस दुबे गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव राग धानी कर्नाटक संगीत में शुद्ध संन्या धन धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है जिसने के जे यशुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिलाया है। इस साउंड ट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं, सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले आज से ज़्यादा इस गाने को के जे यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना जब शाम ढले आना इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा इस गाने के गायकार के जे यशुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर मिला ले इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चित्तचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्तचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है जिसके निर्माता ताराचंद बढ़ जाते हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्तचोर पर आधारित है। के जे यशुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कू कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सीडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी उनके लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चित्तचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बढ़ जाते हैं अभिनीत अमोल पालेकर जरीना बहाव छायांकन के महाजन। द्वारा संपादन मुख्तार अहमद संगीत दिया है रविंद्र जैन। उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिलीज की तारीख 1976। देश भारत। भाषा हिंदी। कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा जो मुंबई में रहती है पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है जो गीता के लिए संभावित जीवनसाथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत
करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पिता अमर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं, नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग व जल्दी आ गया क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है। वे गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है, जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गांव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता पी चौधरी के रूप में जरीना बाप सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में एके हंगल गीता की मां श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक गीता की बहन मीरा के रूप में रितु कमल मास्टर राजू दीपक कुमार अग्निहोत्री दीपू शैल चतुर्वेदी चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में सीएस दुबे गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव राग धानी कर्नाटक संगीत में शुद्ध संन्या धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है, जिसने के जे यशुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिलाया है। इस साउंड ट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले आज से ज़्यादा इस गाने को केजे यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना जब शाम ढले आना इस गाने के गायकार केजे यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा इस गाने के गायकार केजे यशुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर में ला ले इस गाने के गायकार केजे यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चित्तचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्तचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता ताराचंद बढ़ जाते हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्तचोर पर आधारित है। के जे यशुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कू कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म
सेडियन चैत्र मास 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी हूँ के लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। निर्देशक बासु चटर्जी पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चितचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बड़जात्या, अभिनीत अमोल पालेकर, जरीना बहाब, छायांकन के महाजन। द्वारा संपादित मुख्तार अहमद, संगीत दिया है रविंद्र जैन, उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिलीज की तारीख 1976, देश भारत, भाषा हिंदी। कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली, बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा जो मुंबई में रहती है पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है जो गीता के लिए संभावित जीवनसाथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीताम्बर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है, यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग वह जल्दी आ गया क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है, भी गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गांव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता पी चौधरी के रूप में जरीना बाप सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में ए के हंगल गीता की माँ श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक गीता की बहन मीरा के रूप में रितु कमल मास्टर राजू दीपक कुमार अग्निहोत्री दीपू शैल चतुर्वेदी चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में सीएस दुबे गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव राग धानी कर्नाटक संगीत में शुद्ध संन्या धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है जिसने के जे येसुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिलाया है। इस साउंड ट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं, सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले आज से ज़्यादा, इस गाने को के जे येसुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना जब शाम ढले आना, इस गाने के गायकार के जे येसुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, इस गाने के गायकार के जे येसुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर में ला ले, इस गाने के गायकार के जे येसुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चितचोर मूवी के बारे में बताएंगे।
इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्तचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता ताराचंद बढ़ जाते हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्तचोर पर आधारित है। केजे येसुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कू कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सीडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी हूँ के लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चित्तचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बढ़ जाते हैं, अभिनीत अमोल पालेकर, जरीना बहाव, छायांकन के महाजन। द्वारा संपादित मुख्तार अहमद, संगीत दिया है रविंद्र जैन, उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिलीज की तारीख 1976, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधान अध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली, बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा, जो मुंबई में रहती है, पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है जो गीता के लिए संभावित जीवनसाथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीताम्बर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं, नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है, यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग वह जल्दी आ गया क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है, वे गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है, जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गांव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता, पी चौधरी के रूप में जरीना बाप, सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे, गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में ए के हंगल, गीता की माँ श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक, गीता की बहन मीरा के रूप में ऋतु कमल, मास्टर राजू, दीपक कुमार, अग्निहोत्री, दीपू, शैल चतुर्वेदी, चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में सीएस दुबे, गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर। संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव, राग धानी, कर्नाटक संगीत में शुद्ध संन्या धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है, जिसने के जे येसुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिलाया है। इस साउंड ट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं।
सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक, आज से पहले आज से ज़्यादा। इस गाने को KJ यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। इस गाने के गायकार KJ यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। इस गाने के गायकार KJ यशुदास हैं। गाना नंबर चार, तू जो मेरे सुर में ला ले। इस गाने के गायकार KJ यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको चित्तचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्तचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता ताराचंद बढ़ जाते हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्तचोर पर आधारित है। KJ यशुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कू कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सीडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी उनके लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चित्तचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बढ़ जाते हैं, अभिनीत अमोल पालेकर, जरीना बहाव, छायांकन KK महाजन। द्वारा संपादन मुख्तार अहमद, संगीत दिया है रविंद्र जैन। उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिलीज की तारीख 1976। देश भारत, भाषा हिंदी। कथानक, भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है, जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली, बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है, जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा, जो मुंबई में रहती है, पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है, जो गीता के लिए संभावित जीवनसाथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीताम्बर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं, नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है, यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी, वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है, जो संयोग वह जल्दी आ गया क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है, भी गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है, जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गांव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं
निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता पी चौधरी के रूप में जरीना बाप सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे गीता के पिता पितामह चौधरी के रूप में ए के हंगल गीता की माँ श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक गीता की बहन मीरा के रूप में रितु कमल मास्टर राजू दीपक कुमार अग्निहोत्री दीपू शैल चतुर्वेदी चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में सी एस दुबे गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव राग धानी कर्नाटक संगीत में शुद्ध संज्ञा धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है जिसने के जे यशुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिलाया है। इस साउंड ट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं, सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले आज से ज़्यादा, इस गाने को के जे यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना जब शाम ढले आना, इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, इस गाने के गायकार के जे यशुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर में ला ले, इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चित्तचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्तचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता तारा चंद बढ़ जाते हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्तचोर पर आधारित है। के जे यशुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कू कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सेडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी उनके लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चित्तचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बढ़ जाते हैं, अभिनीत अमोल पालेकर जरीना बहाव छायांकन के महाजन। द्वारा संपादित मुख्तार अहमद संगीत दिया है रविंद्र जैन। उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिलीज की तारीख 1976। देश भारत। भाषा हिंदी। कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा जो मुंबई में रहती है पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है जो गीता के लिए संभावित जीवनसाथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीताम्बर और परिवार बस यही
करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है, यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग वह जल्दी आ गया क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है, भी गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गांव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं निराश होकर वह पीछे मुड़ती है। सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता पी चौधरी के रूप में जरीना बाप सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाट के गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में ए के हंगल गीता की माँ श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक गीता की बहन मीरा के रूप में ऋतु कमल मास्टर राजू दीपक कुमार अग्निहोत्री दीपू शैल चतुर्वेदी चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में सी एस दुबे गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव राग धानी कर्नाटक संगीत में शुद्ध संन्या धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है, जिसने के जे यशुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिलाया। इस साउंड ट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं, सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले आज से ज़्यादा इस गाने को के जे यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना जब शाम ढले आना इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा इस गाने के गायकार के जे यशुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर में ला ले इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चित्तचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्तचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है जिसके निर्माता ताराचंद बढ़ जाते हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्तचोर पर आधारित है। के जे यशुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से मलयालम में मिंडा पुचक्कू कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सेडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी हूँ के लिए भी प्रेरणा थी।
निर्देशक बासु चटर्जी। निर्देशक बासु चटर्जी पटकथा के बासु चटर्जी पर आधारित चितचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बड़जात्या, अभिनीत अमोल पालेकर, जरीना बहाव, छायांकन के महाजन। द्वारा संपादित मुख्तार अहमद, संगीत दिया है रविंद्र जैन, उत्पादन कंपनी राशि प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिलीज की तारीख 1976, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधान अध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली, बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा जो मुंबई में रहती है पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है जो गीता के लिए संभावित जीवनसाथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीताम्बर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग वह जल्दी आ गया क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है, वे गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गांव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं निराश होकर वह पीछे मुड़ती है। सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता पी चौधरी के रूप में जरीना बाप सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाट के गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में ए के हंगल गीता की माँ श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक गीता की बहन मीरा के रूप में रितु कमल मास्टर राजू दीपक कुमार अग्निहोत्री दीपू शैल चतुर्वेदी चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में सी एस दुबे गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव राग धानी कर्नाटक संगीत में शुद्ध संन्या धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है जिसने के जे यशुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिलाया। इस साउंड ट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले आज से ज़्यादा इस गाने को के जे यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना जब शाम ढले आना इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा इस गाने के गायकार के जे यशुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर में ला ले इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चितचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे।
तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्रचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता ताराचंद बड़जात्य हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्रचोर पर आधारित है। के जे येसुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कू कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सीडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी हूँ के लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चित्रचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बड़जात्या, अभिनीत अमोल पालेकर, जरीना बहाव, छायांकन के महाजन। द्वारा संपादन मुख्तार अहमद, संगीत दिया है रविंद्र जैन, उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा, वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिलीज की तारीख 1976, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली, बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा, जो मुंबई में रहती है, पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है जो गीता के लिए संभावित जीवनसाथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीताम्बर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं, नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है, यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग व जल्दी आ गया क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है, वे गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है, जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गाँव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं, निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता, पी चौधरी के रूप में जरीना बाप, सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे, गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में एके हंगल, गीता की माँ श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक, गीता की बहन मीरा के रूप में रितु कमल, मास्टर राजू, दीपक कुमार, अग्निहोत्री, दीपू, शैल चतुर्वेदी, चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में सीएस दुबे, गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर। संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव, राग धानी, कर्नाटक संगीत में शुद्ध संन्या धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है, जिसने के जे येसुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिलाया है। इस साउंड ट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं, सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है।
गाना नंबर एक, आज से पहले आज से ज़्यादा। इस गाने को KJ यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। इस गाने के गायकार KJ यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। इस गाने के गायकार KJ यशुदास हैं। गाना नंबर चार, तू जो मेरे सुर मिला ले। इस गाने के गायकार KJ यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको चित्तचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्तचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता ताराचंद बढ़ जाते हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्तचोर पर आधारित है। KJ यशुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसु के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कु कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सीडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी उनके लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चित्तचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बढ़ जाते हैं। अभिनीत अमोल पालेकर, जरीना बहाव, छायांकन KK महाजन। द्वारा संपादन मुख्तार अहमद, संगीत दिया है रविंद्र जैन। उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिलीज की तारीख 1976। देश भारत, भाषा हिंदी। कथानक, भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है, जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली, बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है, जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा, जो मुंबई में रहती है, पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है, जो गीता के लिए संभावित जीवनसाथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीताम्बर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं, नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है, यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी, वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है, जो संयोग बस जल्दी आ गया, क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है, वे गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है, जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गांव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं, निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, गीता और विनोद की सगाई होनी है।
ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर। गीता पी चौधरी के रूप में जरीना बाप। सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे। गीता के पिता पीतांबर चौधरी के रूप में ए.के. हंगल। गीता की माँ श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक। गीता की बहन मीरा के रूप में रितु कमल। मास्टर राजू दीपक कुमार अग्निहोत्री दीपू। शैल चतुर्वेदी चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में सी.एस. दुबे। गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर। संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव राग धानी। कर्नाटक संगीत में शुद्ध संज्ञा धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है, जिसने के.जे. यशुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिलाया है। इस साउंड ट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले आज से ज़्यादा। इस गाने को के.जे. यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना जब शाम ढले आना। इस गाने के गायकार के.जे. यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। इस गाने के गायकार के.जे. यशुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर मिला ले। इस गाने के गायकार के.जे. यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चित्तचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्तचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता ताराचंद बढ़ जाते हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्तचोर पर आधारित है। के.जे. यशुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कु कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सीडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी उनके लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चित्तचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बढ़ जाते हैं। अभिनीत अमोल पालेकर, जरीना बहाव, छायांकन के.के. महाजन। द्वारा संपादन मुख्तार अहमद। संगीत दिया है रविंद्र जैन। उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिलीज की तारीख 1976। देश भारत। भाषा हिंदी। कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीतांबर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीतांबर की बड़ी बेटी मीरा जो मुंबई में रहती है पीतांबर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है जो गीता के लिए संभावित जीवन साथी हो सकता है। पीतांबर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीतांबर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है, यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने
तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग व जल्दी आ गया क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है, वे गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गाँव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता पी चौधरी के रूप में जरीना बाप सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में एके हंगल गीता की माँ श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक गीता की बहन मीरा के रूप में रितु कमल मास्टर राजू दीपक कुमार अग्निहोत्री दीपू शैल चतुर्वेदी चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में सीएच दुबे गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव राग धानी कर्नाटक संगीत में शुद्ध संन्या धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है जिसने के जे यशुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिलाया है। इस साउंड ट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं, सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले आज से ज़्यादा इस गाने को के जे यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना जब शाम ढले आना इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा इस गाने के गायकार के जे यशुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर मिला ले इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चित्तचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित्तचोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है जिसके निर्माता ताराचंद बढ़ जाते हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चित्तचोर पर आधारित है। के जे यशुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कू कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सीडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी उनके लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चित्तचोर
सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बड़जात्या, अभिनीत अमोल पालेकर, जरीना बहाब, छायांकन के महाजन। द्वारा संपादन मुख्तार अहमद, संगीत दिया है रविंद्र जैन, उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स। रिलीज की तारीख 1976, देश भारत, भाषा हिंदी। कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली, बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा जो मुंबई में रहती है पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है जो गीता के लिए संभावित जीवन साथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीताम्बर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है, यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग व जल्दी आ गया क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है भी गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गाँव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता पी चौधरी के रूप में जरीना बाप सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में एके हंगल गीता की मां श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक गीता की बहन मीरा के रूप में रितु कमल मास्टर राजू दीपक कुमार अग्निहोत्री दीपू शैल चतुर्वेदी चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में सीएस दुबे गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर। संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव राग धानी कर्नाटक संगीत में शुद्ध संन्या धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है जिसने के जे यशुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिलाया है। इस साउंड ट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं, सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आज से पहले आज से ज़्यादा, इस गाने को के जे यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो जब दीप जले आना जब शाम ढले आना, इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, इस गाने के गायकार के जे यशुदास हैं। गाना नंबर चार तू जो मेरे सुर में ला ले, इस गाने के गायकार के जे यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको चित्तचोर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें।
उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। चित चोर अनुवादित हार्ट स्टीलर 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जो बासु चटर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसके निर्माता ताराचंद बढ़ जाते हैं। यह सुबोध घोष की बंगाली कहानी चितचोर पर आधारित है। KJ येसुदास और मास्टर राजू ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 जीता। फिल्म को तेलुगु में अम्माई मंसू के नाम से, मलयालम में मिंडा पुचक्कू कल्याणम के नाम से और तमिल में उल्लम करुणथा कलवन के नाम से बनाया गया था। यह 1997 की बंगाली फिल्म सीडियन चैत्र मास और 2003 की फिल्म में मैं प्रेम की दीवानी हूँ के लिए भी प्रेरणा थी। निर्देशक बासु चटर्जी। पटकथा की है बासु चटर्जी पर आधारित चितचोर सुबोध घोष द्वारा उत्पादित ताराचंद बढ़ जाते हैं, अभिनीत अमोल पालेकर, जरीना बहाव, छायांकन KK महाजन। द्वारा संपादन मुख्तार अहमद, संगीत दिया है रविंद्र जैन, उत्पादन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित अल्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिलीज की तारीख 1976, देश भारत, भाषा हिंदी, कथानक भारत के मधुपुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पीताम्बर चौधरी की एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता एक सामान्य देहाती लड़की है, भोली भाली, बचकानी और हमेशा एक छोटे लड़के के साथ रहती है जो उसका पड़ोसी है। पीताम्बर की बड़ी बेटी मीरा, जो मुंबई में रहती है, पीताम्बर को एक युवा इंजीनियर के आने की सूचना देती है, जो गीता के लिए संभावित जीवनसाथी हो सकता है। पीताम्बर से उसका स्वागत करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। बिना किसी और सवाल के पीताम्बर और परिवार बस यही करते हैं। जब आगंतुक ट्रेन से आते हैं, नवांगतुक विनोद को परिवार और विशेषकर गीता तुरंत पसंद आ जाती है, यहाँ तक कि वह उसे गाना भी सिखाता है। परिवार विनोद और गीता की शादी की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मीरा का दूसरा पत्र आने तक जीवन अच्छा है। पीताम्बर यह पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिस इंजीनियर को मीरा परिवार से मिलने के लिए भेज रही थी, वह अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आने वाला है। विनोद एक ओवरसियर है जो संयोग व जल्दी आ गया, क्योंकि उसके बॉस सुनील को देरी हो गई थी और वह योजना के अनुसार नहीं आ सका। परिवार निराश है, वे गीता से विनोद से मिलना बंद करने और अपना ध्यान इंजीनियर सुनील की ओर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन गीता विनोद को नहीं भूल सकती। सुनील गीता को पसंद करता है और सगाई के लिए राजी हो जाता है, जो जल्दी तय हो जाती है। जब विनोद को सगाई के बारे में पता चलता है तो वह समारोह से पहले गाँव छोड़ने की तैयारी करता है। यह सुनकर गीता जिद करती है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विनोद से शादी करेगी। वह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ती है, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले नहीं निराश होकर वह पीछे मुड़ती है और सुनील उसका स्वागत करता है और उसे अपने घर वापस ले जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विनोद घर पर है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, गीता और विनोद की सगाई होनी है। ढालना विनोद के रूप में अमोल पालेकर गीता पी चौधरी के रूप में जरीना बाप सुनील किशन के रूप में विजेंद्र घाटगे गीता के पिता पीताम्बर चौधरी के रूप में AK हंगल गीता की माँ श्रीमती पी चौधरी के रूप में दीना पाठक गीता की बहन मीरा के रूप में ऋतु कमल मास्टर राजू दीपक कुमार अग्निहोत्री दीपू शैल चतुर्वेदी चौबे के रूप में पोस्टमैन के रूप में CS दुबे गाड़ी चालक के रूप में अमित नार्वेकर संगीत ट्रैक गोरी तेरा गांव राग धानी कर्नाटक संगीत में शुद्ध संन्या धनसी के रूप में जाना जाता है में रचा गया है, जिसने KJ येसुदास को 1976 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दिलाया है। इस साउंड ट्रैक एल्बम ने बॉलीवुड संगीत में उनकी पहली शुरुआत भी की। सभी गीत रविंद्र जैन द्वारा लिखे गए हैं, सारा संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 आज से पहले आज से ज़्यादा,
इस गाने को केजे यशुदास ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। इस गाने के गायकार केजे यशुदास और हेमलता हैं। गाना नंबर तीन, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। इस गाने के गायकार केजे यशुदास हैं। गाना नंबर चार, तू जो मेरे सुर में ला ले। इस गाने के गायकार केजे यशुदास और हेमलता हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।